अमेरिका के संविधान में ये चीज़ चल सकती है, वहाँ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ से ज़्यादा इंटेलिजेंट, हाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा सिविलाइज्ड है। कल ही कोई मेरे पास बैठे थे, वो सिएटल में रहते हैं अमेरिका में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो बता रहे थे कि सिर्फ इतनी सी बात कि उन्होंने पति में आपस में जब रहते हैं साथ तो कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है, छोटा मोटा, स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसे ऐसा मानते हैं कि हाँ ठीक है झगड़ लिए, थोड़ी देर बाद फिर भी एक ही हो जाते हैं जैसे बच्चों की तरह। तो गुस्से में क्या किया, कुछ कह दिया पत्नी ने, गुस्से में उन्होंने क्या किया, अपना जूता उतारा और जमीन में मार दिया। अब पत्नी ने पुलिस को वैसे ही फोन कर दिया, भारतीय पत्नी थी। अब पुलिस आ गई, वहां तो 10 मिनट में आ जाती है, आ गई पुलिस, बोले क्या हुआ था कि पत्नी, बोली नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, बोले फोन तो किया था आपने, अब तो आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ था। तो वो जो इंजीनियर था उसने क्या कि कुछ नहीं हुआ था, मैंने अपना जो जूता था जमीन पर, गुस्से में थोड़ा कुछ हो गई थी, मैंने तो गुस्से में जमीन में मार दिया। बोले अब तो आपको जेल चलना पड़ेगा, बोले यहाँ का तो कानून है, एक रात तो आपको रहना ही पड़ेगा। अब पत्नी बोली नहीं नहीं मैं तो चाहती नहीं कि जेल ले जाओ। बोले कोई ये तमाशा थोड़े, ये इंडिया थोड़े है। उसको ले गए, रात भर बेचारा हवालात में रहा, फिर दूसरे दिन छोड़ के आए, और प्रोबेशन पर आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और फिर पुलिस वालों ने समझाया कि आप जमीन में कप्पी फेंक के मार दोगे ना गुस्से में तो ये ऑफेंस हो जाता है। भारत में तो कब कोई आदमी पत्नी के छोटी सी बात पर चांटा लगा देता है, लेकिन आप ध्यान रखना, आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ लिया, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वहीं से आया है, अमेरिका से आया है, और भारत में भारत वाले तो चाहते नहीं थे कि उसे लागू करें, बहुत दिन पहले उन्होंने कह दिया जी हम लागू करेंगे, लेकिन वो यूएनओ का दबाव था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ले आए। आपको ध्यान है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि पत्नी यदि कह देती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो पति को वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, पत्नी उसी घर में रहेगी, तुम जाके अपना किराए का दूसरा ले लो। ये व्यवस्था अमेरिका में है, उसको ये भारत में ले आए, तो हमारे कानून का बहुत कम परसेंटेज यूज करते हैं, वहां तो बहुत सिविलाइज लोग हैं। दूसरी बोले कि इस छोटे से वाकया के कारण, बोले मैं 22 घंटे की यात्रा करके जाता हूँ, और 22 घंटे की यात्रा करके एयरपोर्ट पर जब उतरता हूँ तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मेरे से 2 घंटे पूछताछ करता है, बताओ क्या हुआ। बोले उसी कहानी को, सब 2 अक्टूबर था, ये हुआ और ऐसे मैंने जूता फेंक दिया। बोले हर बार मैं रिपीट करता हूँ इस कहानी को, और हर बार वो बयान दर्ज करते, और बोले छोटा मोटा काम भी हो जाए तो आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों का समूह है वो,